योजना आपकी सरकार आपके द्वारा लगातार जारी है। इस वक्त हम मौजूद हैं जरुआडी पंचायत में, यहाँ भी काफ़ी संख्या में लोग पहुँचे हैं। अभी कुछ देर पहले एडिशनल कलेक्टर भी यहाँ पहुँचे थे, प्रखंड विकास पदाधिकारी इस वक्त हमारे यहाँ मौजूद हैं। सर, अब चूंकि आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वारा का अंतिम पड़ाव जो है अब चल रहा है, कुछ पंचायत ही बच गए हैं, अभी तक जो आवेदन प्राप्त हुए हैं उससे क्या लग रहा है कि आम लोगों में जो संतुष्टि है, या फिर यूँ कह लें कि समझ की जो परख है, वो किस तरह से लोग जो है देखेंगे इसको, क्या कहना चाहेंगे इसको? जी, सबसे पहले तो जितने भी मीडिया कर्मी हैं, पत्रकार बंधु हैं और स्थानीय प्रतिनिधि हैं, उनका मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं कि उनके माध्यम से ही लोगों में ये जानकारी जा पाई है योजनाओं के बारे में, लाभ लेने के बारे में। और जो सावित्री बाई फुले समृद्धि योजना जो बच्चियों के लिए है, वो चूँकि सबको तो देना ही है, लेकिन पंचायत पंचायत में इनका बहुत बढ़िया प्रचार प्रसार हो गया और हर दिन 400-500 आवेदन आ रहे हैं एक दिन में, और जो बचे हुए हैं उनको बाद में लाभ दे दिया जाएगा। सबको चूँकि देना ही है, पेंशन से संबंधित लोगों को जानकारी हो गई है कि विधवा विकलांग पेंशन है, वृद्धा है, तो उसके लिए क्या कागज़ चाहिए, प्रचार प्रसार जरूरी है। लाभ तो कल परसों भी कार्यालय में जमा कर सकते हैं, तो आप लोगों के माध्यम से लोगों में जानकारी गई है और लोगों को पता चला है कि योजनाओं में ये सब कागजात चाहिए होता है। ज़्यादातर लाभ जो है ऑनलाइन प्रक्रिया से हो रहा है, तो उनकी जानकारी उनको इस कैंप के माध्यम से हुई है। और आज भी काफ़ी यहाँ पे ग्रामीण उपस्थित हुए हैं, जरुआडी पंचायत भवन के प्रांगण में लगभग 1000 से ज़्यादा आवेदन हम लोग को प्राप्त हो चुका है। सर, जब पहला फेज़ ख़त्म हुआ तो तकरीबन 11000 आवेदन आए, और आपने कहा कि 60% जो है मामले निष्पादित हो गए हैं। अभी जब चूंकि अब 3-4 पंचायत बच गए हैं, तो ऐसे में कितना अनुमान है कि कितने आवेदन आए होंगे तकरीबन अभी तक, और कितने निष्पादित हुए? अभी तक हम लोग का पर पंचायत 1000 प्लस आवेदन आ रहा है, 1200 कहीं 1300 करके हो रहा है, और अभी 50% के आसपास निष्पादन हुआ है। 50% जो थोड़ा उसमें ज़्यादा प्रक्रिया है, जटिल प्रक्रिया है, वो हम लोग कैंप के बाद उसको करेंगे। और हम लोग को चूँकि एक महीना समय मिलता है, उस दौरान संबंधित विभाग को आवेदन जाएगा और वो जिस हिसाब से उसको वो करना पड़ेगा निष्पादन, उस प्रक्रिया को अपना निष्पादन निश्चित करेंगे। सर, एक अंतिम सवाल है कि जो जितने भी आवेदन प्राप्त हो रहे हैं, उसके बाद प्रखंड मुख्यालय में क्या आप लोग समीक्षा करेंगे उन आवेदनों का, क्योंकि फिर या क्या प्रक्रिया होगी, कैसे लोग जान पाएंगे कि मेरा काम हुआ या नहीं हुआ? जी हाँ, सबसे पहले तो उनको मोबाइल के माध्यम से मैसेज गया है, संबंधित विभाग के बारे में उनको जानकारी है कि मैं जैसे पेंशन है, तो वहाँ कुलदीप एक असिस्टेंट है जो पेंशन का काम देखता है, कल्याण विभाग का श्रीमती अनिता मरांडी देखती है, तो उनका भी नंबर लाभुक ले रहे हैं, उनको पहचान रहे हैं। सारी योजनाओं को सूचीबद्ध किया गया है, ऑनलाइन प्रक्रिया किया गया है, लाभुक इसके संबंध में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं पंचायत सेवक के माध्यम से या डायरेक्ट प्रखंड कार्यालय में जा कर के, तो उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। लाभुकों को जानकारी हम लोग SMS के माध्यम से दिए हैं, उसका पावती रसीद भी है, और वो कार्यालय में आकर के भी उसका पता कर सकते हैं। हम लोग की तरफ से भी ये ईमानदारी रहेगी, क्योंकि ग्रामीण इलाके के जो आवेदन मिला है, जिसका जेन्युइन है, लाभ लेने योग्य, उसको निश्चित मिलेगा। चलिए, बहुत शुक्रिया सर आपका। प्रखंड विकास पदाधिकारी क्या कुछ कह रहे थे आप सुन रहे थे, हालांकि और 3-4 पंचायत बच गए हैं, वहाँ से भी हम आपको रिपोर्ट दिखाने का प्रयास करेंगे। और लगातार ये जो सरकार के द्वारा चलाई जाने वाली आपकी योजना, आपकी सरकार आपके द्वार है, उसको लेकर के हम रिपोर्ट आपको इसलिए भी दिखा रहे हैं ताकि आप योजनाओं को समझ सकें और जो सरकार की जो महत्वपूर्ण योजना है उसका लाभ भी ले सकें। देखते रहिए समाधान इंडिया। शुक्रिया।